तो दूसरा ऐसा सीन है कि भाई अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट कर देना, जिसको भी भाई चाहिए होगी वो बता देना मेरे को। और बाकी ये बहुत ही जल्दी भाई अभी सेल होने वाली है, वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भाई बंदा इसको लेगा तो वो चेंज कर ही सकता है। तो यार आई लिटरली बताऊँ ना मैं तो, हम लेट हो चुके हैं भाई, टाइम क्या हो रहा है, ओ भाई 9:18 हो गए, राइडिंग स्किल यूज करने पड़ेंगे भाई, स्किल नॉट सप्रीवाजी। सो गाइस यहाँ पे देखो यार सारा सिस्टम खराब हो चुका है, ये देखो भाई मेरा जो माइक है ना इसके आगे वाला भाई जो कर्टन होता है वो भी उतर चुका है। तो यार hey guys, what's up? It's me, Sheila. Welcome back to my YouTube channel. और बताओ मेरे दिल की धड़कनों कैसे हो भाई साहब, आप सब मेरे दिल की धड़कन हो भाई, और ये धड़कन हमेशा धड़कनी रहनी चाहिए, कभी रुके ना, इस चीज का ध्यान रखना। तो गाइज आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई एक बिग अपडेट है। तो गाइज उससे पहले एक और चीज आ चुकी है अपने पास, ये है भाई 360 की सेल्फी स्टिक, और इसको मैं अभी माउंट करूंगा, ठीक है। इसका व्यू भी आपको दिखेगा क्योंकि मैंने इसका बहुत वेट किया भाई, ये बहुत ज्यादा कॉस्टली थी, मतलब अमेजोन वगैरह ऑनलाइन बहुत कॉस्टली मिल रही थी, अभी सेल चल रही है और सेल की वजह से भाई ये सस्ती हो चुकी है। तो गाइस मेरा जो माउंट है ना वो दूसरा R15 पे लगा हुआ, फटाफट उसको पहले खोल लेते हैं। सो गाइज यहाँ पे देखो यार सारा सिस्टम खराब हो चुका है, ये देखो भाई मेरा जो माइक है ना इसके आगे वाला भाई जो कर्टन होता है वो भी उतर चुका है। तो यार आवाज़ भी थोड़ी सी सही नहीं आ रही, तो देखते हैं अभी इसको भी हम लेंगे और थोड़ा सा आवाज़ में थोड़ा मतलब अच्छी आवाज़ आए। सो यार गाइज अभी मैं आ चुका हूँ भाई अपनी बाइक के ऊपर, जैसे कि ड्यूक आप लोग देख रहे हो भाई, और ड्यूक मैं काफ़ी दिन के बाद चला रहा हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैं R15 ही चला रहा था। सो गाइस आज एक अपडेट देनी थी भाई आप सबको, तो मैंने सोचा कि यार क्यों ना यूट्यूब पे आज एक्टिव हुआ जाए, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से भाई मैंने ब्लॉग वगैरह नहीं डाला था, शॉर्ट्स वगैरह डाल रहा था मैं, तो अब ऐसा करेंगे कि यार कंटिन्यू अपना जो ब्लॉग वगैरह है वो आएगा भाई, और अपनी जो मतलब डेली वगैरह की एक्टिविटी होती है, आना तो हमें डेली होता है यार, सिटी वगैरह जाना होता है बाइक साइक से, क्योंकि चक्कर ये है ना कि भाई मैं ऑफिस भी जाता हूँ और अभी भी कुछ सीन ऐसा ही है कि यार मैं भी ऑफिस जा रहा हूँ। और बाय द वे गाइस अपडेट ऐसी है कि जो कि भाई सबसे बड़ा सीन कुछ ऐसा है कि अपनी ये जो बाइक है ना, तो यार इसको मैं सोच रहा हूँ, कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है अभी, तो कोई दिक्कत नहीं वो मैं आपको अपडेट करता हूँ। तो यार आई लिटरली बताऊँ ना मैं तो, हम लेट हो चुके हैं भाई, टाइम क्या हो रहा है, ओ भाई 9:18 हो गए, आज तो लेट हो गया मैं, यहीं पे 9:18 हो गए, कोई नहीं अब थोड़ा सा निंजा टेक्निक लगानी पड़ेगी, राइडिंग स्किल यूज़ करने पड़ेंगे भाई, स्किल नॉट सप्रीवाजी। क्या बंदा है यार ये, तो गाइस जैसे कि भाई मैंने अपनी ड्यूक को रैप वगैरह करवाया था, इसका भी भाई एक प्रॉपर ब्लॉग जो था वो ऐसे ही मतलब थोड़ा थोड़ा हाईलाइट दिया था मैंने आपको, उसके बाद मैंने इस पर कोई ब्लॉग नहीं डाला भाई, उसके बाद मैंने कोई ब्लॉग ही नहीं डाला, सही बात बोलूँ तो। यार कोई नहीं, इसके बारे में भी हम थोड़ा ब्रीफ में बात करेंगे, और एक चीज़ और बताऊँगा इसके ऊपर जो मतलब रैप हुआ था ना चेसी वगैरह के ऊपर, तो यार वो रैप ना मैंने हटा दिया हुआ है, उसके बाद गाड़ी क्या चीज़ लग रही है वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ, और आप लोग भी भाई उसको चेक करने के बाद ना एक बार कमेंट कर देना, कुछ भी लिख देना यार कि अच्छी लग रही है, बुरी लग रही है या क्या लग रही है, कुछ भी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है भाई, आपका आपके कमेंट पड़ेगा और उसी चीज़ के ऊपर भाई नेक्स्ट एक्शन होगा। रैप करवाने के लिए भी भाई कुछ भाइयों ने बोला था, अरे दे दे साइड,
कि यहाँ पे कोई क्रॉसिंग पॉइंट है नहीं, बंदा सीधा पेड़ों से निकल के सामने आ जाता है। यहाँ पे भाई खतरनाक ट्रैफिक मिलता है, तो अभी मैं इसको यहीं से निकाल लेता हूँ बाइक को, सोच रहा हूँ बट खुल गया कोई नहीं, यहीं से चलते हैं। मुझे वहाँ से जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा और थोड़ा लंबा पड़ जाएगा भाई अपने को। ऐसे ऐसे 30 मार खान है ना कसम से, पता नहीं गाड़ी पे बैठ के क्या सोचते हैं कि हम हैं तो हम ही हैं, आगे पीछे कोई नहीं चाहिए भाई। ये भी मैंने पूरा भाई टाइट कर दिया हुआ है लेकिन फिर भी यार ये हिल रहा है पता नहीं क्यों, तो देखते हैं गाइस अभी चला के कि डाउन जाती है या नहीं जाती है। तो गाइस आज हमने माउंट किया भाई अपनी जो 360 वाली स्टिक आई थी भाई, उसके साथ मैंने माउंट करके लगा लिया अभी। तो सीन कुछ ऐसा कि भाई जैसे मैंने आपको बोला था कि यार एक अपडेट मैं आपको देने वाला हूँ, तो गाइस अपनी जो ड्यूक है वो उसको मैं करने वाला हूँ भाई सेल। तो गाइस यही सबसे बड़ी बात यही थी कि भाई हम करेंगे इसको सेल और ये बड़ी जल्दी भाई हो सकता है कि ये सेल हो जाए। और आज का सीन कुछ ऐसा है कि भाई जिसने इसको लेना ना तो वो बंदा भी यार ट्राई वगैरह करने के लिए आने वाला है मेरे पास, तो मे भी ऐसा हो जाए कि वो आज इसको ले जाए या ट्राई वगैरह करेगा, कुछ भी करेगा देखते हैं। अभी तो फिलहाल मैं सोच रहा हूँ कि कोई प्लान मेरा बन नहीं रहा कि मैं बाइक वगैरह मतलब दूसरी कोई और लूँ। तो गाइस मुझे पता है कि माइक में थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस आ रही होगी, प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज कर लेना इस वीडियो में। तो भाई आप बताओ कि 360 का व्यू कैसा आ रहा है, सही आ रहा है कि या नहीं आ रहा सही। बड़े दिन के बाद भाई मौका मिला कि इसको 100 चलाने का, आज भाई आ गए भाई 100 टाइम चला दी। अभी ऐसा होता नहीं भाई यार, वो चीज़ मतलब कि अपने से दूर जाने की, वो अपने से जब थोड़ा सा दूर जाने लगती है ना तो तब भाई प्यार आ जाता है यार। अब जैसे मेरे को इस पर ना बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा भाई, इतना प्यार आ रहा ना इस टाइम पर, और लग भी बहुत प्यारी रही है यार। तो भाई बड़े प्यार से मैंने इसको रैप वगैरह करवाया था, बड़े मतलब कि दिल से अपने ये नहीं बोला था कि यार चलो रैप वगैरह करवाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो या गाइस जैसे मैंने आपको बोला था कि भाई अपनी जो ड्यूक का मैं पूरा बताता हूँ आपको कि इस पर क्या क्या मैंने मॉडिफिकेशन करवाई है, क्या सीन है, कैसा है भाई। तो सबसे पहले आप देख ही सकते हो कि यार मैंने इसको पूरा रैप करवाया हुआ है, ठीक है, चेसी का इसका मैंने रैप उतार दिया था, बाकी पूरा विंग्स वगैरह आगे वाला अलॉय भी येलो है, सब मतलब रैप करवा के रखा हुआ है, पीछे वाला अलॉय इसका ब्लैक है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग जो भाई बंदा इसको लेगा तो वो चेंज कर ही सकता है। फ्रंट से बता देता हूँ भाई थोड़ा, तो फ्रंट से ये देखो मैंने HGG की लाइट्स लगाई हुई हैं भाई, और आगे से भी थोड़ा बहुत मॉडिफाई है। तो दूसरा ऐसा सीन है कि भाई अगर कोई भाई इंटरेस्टेड है तो मुझे कमेंट कर देना, जिसको भी भाई चाहिए होगी
वो बता देना मेरे को। और बाकी ये बहुत ही जल्दी भाई अभी सेल होने वाली है और देखते हैं फिर उसके बाद क्या सीन होता है। कोई नई बाइक का बनेगा प्लान तो, अदरवाइज अपने पास R15 है, हम उससे काम चला लेंगे थोड़ा बहुत जितना चलाना होगा। तो गाइज ठीक है, फिर इस वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। और गाइज मे बी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये दिखे या ना दिखे, कोई श्योरिटी नहीं है। अब मैं यही बोल सकता हूँ कि क्या पता मैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसके साथ आपको मिलूँ या ना मिलूँ। तो गाइज टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू गाइज़।